हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम कमल किशोर कोहली फ्रॉम सरस्वती विद्यापीठ रेजिडेंशियल स्कूल शिवपुरी एंड आई वेलकम यू टू वॉच माय वीडियो एंड टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। वेल, सो लेट अस स्टडी टुडे एडजेक्टिव। डू यू नो एडजेक्टिव? इट्स द कॉमन क्वेश्चन अराइज़ इन योर माइंड। So, I am here to satisfy you and I am here to solve your problem related to English grammar. Well, so don't worry. There is no need to worry. I am with you to solve your problems related to any complicated problem related to grammar. So, always keep yourself with me, so I will help you in any case also. एडजेक्टिव के बारे में समझ लेते। एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव जो होता है कि ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, क्वालिफाई करता हो, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए। ठीक है, तो मैं आपको इस तरीके से इसमें विस्तार से बतलाने वाला हूँ। जैसे यू आर ए गुड स्टूडेंट, मोहन इज ए टॉल स्टूडेंट, टॉल। तो टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि टॉल जो वर्ड है वो राम की विशेषता बता रहा है, या जो भी मोहन सोहन श्याम सुंदर कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी है। सो कोई भी हो सकता है, तो नाउन की या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो वह शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। आपको बात समझ में आ गई हो, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है आपको एक आध उदाहरण की आवश्यकता पड़े, तो हम देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। जैसे सी इज ए ब्रेव गर्ल, सी इज ए ब्रेव गर्ल। सी माना वो है, इज माना है, ए माना एक, ब्रेव माना बहादुर, गर्ल माना लड़की। तो वह एक बहादुर लड़की है, तो लड़की की क्या विशेषता बताई जा रही है भाई? इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है भाई? इसमें है ब्रेव। तो जो लड़की है, तो जो ब्रेव नाम का शब्द है, ये जो है ये लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव। क्लियर कॉन्सेप्ट? नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। वेल, मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसके काइंड्स देख लीजिए पहले। तो पहले आता है एडजेक्टिव्स और क्वालिटी। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू डीपली। वेल, सो वेट फॉर दिस टाइम। तो एडजेक्टिव और क्वालिटी, क्वालिटी माने गुणवत्ता, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति की या किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बताता हो, गुणों के बारे में बताता हो, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलेंगे। दूसरा एडजेक्टिव दिया हुआ है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी माने परिमाण, कितनी चीज है, कितने वजन में, कितनी संख्या में, ऐसा भी हो सकता है। तो ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। तो ऐसे शब्द शब्दांश है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बता रहे, ना कि क्वालिटी, क्वांटिटी। वेल, अगला एडजेक्टिव जो दिया हुआ है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, और इसको न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ न्यूमरल, न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। इसमें संख्या बताई जाती हो, ठीक है ना, इसे कम संख्या हो सकती है, कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग, दो लोग, दस लोग, ये संख्या बताई जा रही है। तो संख्या बताने वाले शब्दों को हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स के अंतर्गत रखते हैं। वेल, तो अगला एक और दिया हुआ देखो, ये दिखा हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो किसी की ओर इशारा करता हो नाउन या प्रोनाउन की ओर, उसको कहेंगे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको बोलते संकेतवाचक विशेषण।
शंकित करता हूँ किसी की ओर, जैसे नाम से हमें पता चलता है, ठीक है ना। और इसको जो कहेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी माने विस्मय बोधक, जो विस्मय कराता हो, हलाल, जैसे व्हाट ए वंडरफुल वर्क, कितना अच्छा काम है, ठीक है नहीं। तो काम क्या है, नाउन है, उसकी विशेषणता आएगा व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए बॉय, कितना अच्छा लड़का है, व्हाट ए शोरूम, कितना अच्छा शोरूम है, व्हाट ए नाइस शर्ट, कितनी अच्छी शर्ट है। तो इस तरीके की इसमें एक्सक्लेमेशन फीलिंग्स आती है, एक्सक्लेमेशन आता है, फेस पर एक्सप्रेशन आता है, तो उसके लिए हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं। मैं आपको एक एक करके वन बाय वन आई विल टीच यू, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिखा करके ही रहूँगा मैं, मेरा दायित्व है आपको सिखाना, आप मेरे साथ बने रहिए। वेल चलिए हम एक एक करके देखते हैं, कम से कम एक एडजेक्टिव तो सीख ही ले, कम से कम एक क्वांटिटी वाला या क्वालिटी वाला देख लेंगे पहले। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, ये तो कहां से थे, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कॉन्टेंट। जैसे मैं आपको बता दूं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इसमें देखिए ये स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स, ये नाउन है। अब नाउन के ये सम, ये इसकी विशेषता बता रहे हैं, जी न्यूमरल में आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, क्योंकि ये संख्या बता रहे कि सम्मान कुछ, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है। ऐसे और भी ले सकते, जैसे राम इज ए लेजी बॉय, ये जो वर्ड है ये नाउन है बॉय, तो बॉय की विशेषता बताई जा रही है किसकी, राम की, राम एक लड़का है और राम की ये विशेषता बताने वाला वर्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव। अब क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया क्या, अब भी नहीं हुआ क्या, चलिए और देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे ही इज ए ब्रिलियंट बॉय, अच्छा देखो ये माना हुआ है एक ब्रिलियंट बॉय, ब्रिलियंट माने होता है बहुत बुद्धिमान, या कह सकते हैं टैलेंटेड है, प्रतिभाशाली छात्र है बॉय है लड़का, ये लड़का जो है ये जो वर्ड है ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है, या ये लड़का ये की बात है ही, तो ये जो है इस लड़के की विशेषता बताने वाला वर्ड है इसकी, ये नाउन मान लीजिए, तो ये लड़के की विशेषता बताने वाला वर्ड है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव। वेल कौन सा होगा, ब्रिलियंट माने उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को लेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट विस्तार से, ठीक है, डीपली हम इसको पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, तब हमें क्लियर हो जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखें, तो हम कहेंगे जैसे कालिदास इज ए लार्ज सिटी, या ग्वालियर इज ए लार्ज सिटी, तो ये सिटी है ग्वालियर, तो ये सिटी की विशेषता बता रहा है, कैसी सिटी, बड़ी है विशाल है, ये उसकी क्वालिटी है, ठीक है ना। और भी लेते देखो, मोहन इज ए इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट नाम का वर्ड है, ये इस लड़के की विशेषता बता रहा है, इसे क्वालिटी बता रहा है, इसकी कैसा है लड़का, इंटेलिजेंट है, उसी क्वालिटी है। वेल सो इसलिए हम कहेंगे ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी चल रहा है, तो ये जो एडजेक्टिव्स है। वेल और भी हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो कह सकते हैं कुछ भी, जैसे दे आर फूल, भी बहुत
फूल है मुख है, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा कौन सा वर्ड दे इनकी प्रोनाउन है, इसलिए ये वर्ड जो है इसकी विशेषता बता रहा क्वालिफाई कर रहा है मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई प्रोनाउन। सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वेल नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी समझ में आ गया होगा जी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स आप और बुक्स में ढूंढ सकते हैं, आप बुक्स रीडिंग करेंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे, तो अंडरलाइन कर लिया करें, ठीक है। आपको मेरा मकसद आपको सिखाना, प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देख लीजिए, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देख लीजिए आप, यानी परिमाण, इसमें कोई चीज का मात्रा बताई जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वेल तो आप समझ लीजिए, मैं आपको दो चार उदाहरण दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, आई एट सम राइस, आओ ये देखिए राइस क्या है, नाउन है, किसका नाम है, ये जो है एक खाद्य पदार्थ का नाम है राइस, माने चावल। तो चावल कितना, हम इसको कहेंगे देखो सब माने कुछ, तो कुछ चावलों की विशेषता बताया कि चावल कितने हैं, क्वांटिटी बता रहा ना, तो सब माने कुछ, थोड़े बहुत चावल, कुछ चावल, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरे शब्दों में कहें इसको डिटरमिनर्स भी बोलते हैं, क्या कह सकते हैं, डिटरमिनर्स भी यही है जी, डिटरमिनर का ही काम कर रहा, तो ये डिटरमिनर्स है, ठीक है। डिटरमिनर को हिंदी में कहते हैं निर्धारक, तो ये क्वांटिटी को निर्धारण कर रहा ना, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वेल और भी एग्जांपल लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा, जैसे आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त मनी है, धन है, तो ये वर्ड जो है इसकी विशेषता बता रहा, और किसकी बता रहा, मात्रा की, किसकी मात्रा, धन की मात्रा, तो एनफ माना पर्याप्त, तो ये मात्रा हुई गिरी, इसलिए इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आएगा, मुझे आप ऐसा आशा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वेल बहुत अच्छे, ऐसे ही देखते रहिए आप, और ही मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आते जाएंगे। वेल चलिए देखिए आगे, ये और देखते एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाए, जैसे दे परचेज्ड मैनी बुक्स, ये भी क्वांटिटी बता रहा है, मैनी मैनी माना कई, देखिए लास्ट किसके पहले है, जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन के पहले बुक्स है, बुक्स को गिन सकते हैं ना, इसलिए मैनी मैनी माने होता है कई, ठीक है। तो ये बुक्स की क्वांटिटी को ये निर्धारित कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए हम कहेंगे ना ब्रो, जो भी है इसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, मच है, तो इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी निर्धारित हो रही है, ठीक है ना। और न्यूमरेबल भी आया, न्यूमरेबल नंबर में भी आ सकता है, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वांटिटी अभी बात चल रही थी हमारी न्यूमरेबल, एडजेक्टिव ऑफ या न्यूमरेबल, तो न्यूमरेबल की देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें नंबर बताए जाते हो, ठीक है ना, क्या बताए जाते हो, नंबर, जैसे सी गॉट ए फर्स्ट प्लेस
इन द क्लास। उसने फर्स्ट प्लेस प्राप्त किया इन द क्लास में, कक्षे में, ठीक है। तो ये जो है इसकी किसकी विशेषता है, इस प्लेस की, किसकी, नाउन की, प्रोनाउन की। तो ये फर्स्ट प्लेस कौन सा स्थान, ये स्थान जो है नाउन है, तो इसकी विशेषता कौन सा स्थान, पहला। तो ये जो है नंबर में आ गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये क्या इंडेफिनेट फर्स्ट है। नंबर दो प्रकार के होते हैं, बताया था आपको, नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनल एंड कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, ठीक है ना। तो इस तरीके से नंबर हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब इसमें क्या आएगा, वन टू थ्री, ऐसा नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव, कार्डिनल हो गया। और ये ऑर्डिनल नंबर हो जाएगा जो क्रम में आती है, क्रम के लिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे। तो ये कहलाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नंबर इसमें चलते हैं। ये क्या है, क्रम के लिए रखते हैं, फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, क्रम। तो क्रम को बताते हैं, ये क्रम नहीं बताते, कोई से नंबर हो सकता है, पाँच को इधर भी ला सकते हैं, ये को इधर भी ले जा सकते, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नंबर होते हैं, तो ये नंबरों को बताने वाले एडजेक्टिव को हम कहते हैं न्यूमेरी, न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वेल, तो ये कौन सा है, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इस तरीके के हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे दे हैव फ्यू चॉकलेट्स एंड फ्यू बुक्स। ये भी जो है नंबर को बता रहा, फ्यू माना कुछ, तो इसलिए ये न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ये भी जो है बुक्स की विशेषता बता रहा। वेल, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। और भी होता है, जैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं प्रमेय के, ये भी करके आपको कहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है, कहाँ पर जो है मैंने का, मच का प्रयोग होता है, एक एक करके अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा मकसद था एडजेक्टिव बताना, तो एडजेक्टिव का जो आपके मन में एक कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको एक एक करके एक एक वर्ड का एक्सप्लेन करूँगा, कहाँ पर यूज करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ पर यूज करते हैं उसको। जैसे सम आ गया, फ्यू आ गया, तो कहाँ पर यूज करते हैं। अब ऐसे तो देखो, ये फ्यू होता है, ये फ्यू, द फ्यू, लिटल, द ए लिटल, द लिटल, ऐसे होते हैं। तो इनका शब्द का विस्तार से यूज करके बताऊंगा मैं आपको, तो उसमें क्या टाइम लगेगा, इसलिए ये मैं आपको आज एडजेक्टिव समझाने के लिए ये वीडियो तैयार किया था, और आशा है आपको समझ में आ गई होगी। और ये देखो एक्सप्लेनेटरी क्या था, ठीक है ना, द एडजेक्टिव ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन माने होता है विस्मय, क्या होता है विस्मय, क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसा ही होता है क्या, यानी कि जिससे आश्चर्य प्रकट होता हो, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे व्हाट एन आइडिया, जी व्हाट एन आइडिया, अरे क्या आइडिया यार, वाह। तो ये व्हाट शब्द है जी, ये किसकी विशेषता बता रहा, आइडिया की। आइडिया क्या होता है, नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसको कहेंगे हम एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। वेल, और भी एक दो एग्जाम्पल और ले लीजिए आप इसके लिए, जैसा होता है व्हाट अ पीस ऑफ वर्क, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क,
कितना अच्छा काम है भाई। तो ये जो है वर्क माने काम की, और पीस ऑफ वर्क तो काम की विशेषता, कितना अच्छा काम है यार, ठीक है ना भाई। इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक और आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लीजिए आप। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि इसका हिंदी में तो होता है संकेत वाचक विशेषण। तो दिस से बताओ, दिस दैट दी, ठीक है ना। तो बताऊंगा दिस इज ए, दिस इज ए बुक। तो जी दिस है जी डेमोन्स्ट्रेटिव में आएगा, क्योंकि ये जो है बुक की ओर इशारा कर रहा है। दिस ये है बुक, तो बुक की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है ना। तो दिस इज ए बुक, इसलिए हम इसको कहेंगे ये एडजेक्टिव है। कौन सा, कौन सा, ये है इंडिकेटिव अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हम कहें दैट इज ए ट्री, तो ये ट्री की ओर इशारा कर रहा है, ये वर्ड कर रहा कि कर रहा, इसलिए हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और देखिए दीज आर माय बुक्स या माय बाइसिकल, यह ये मेरी साइकिलें हैं या ये मेरी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं। तो दीज ये वर्ड जो है इनकी ओर इशारा कर रहा है, चाहे तो जाए सब जाए। इस तरीके से आज हमको जो है एडजेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर डिपेंड करता है आपकी वॉचिंग पर, एंड बिकॉज लर्निंग डिपेंड्स ऑन अवर फोकस, लर्निंग डिपेंड्स ऑन अवर वॉचिंग केयरफुली अटेंटिवली। इफ यू वॉच एंड लिसन केयरफुली अटेंटिवली you will learn so quickly, there will be no any difficulty or no complication in your mind if you are watching carefully and attentively. Remember these points, watching means focus on board and listen carefully what is being said, what is being told in front of you. Listen attentively and carefully any teacher. What is being taught in the class? What is being explained in the class? Your eyes should be focused on learning and ears should be focused on listening. These factors are very important. Listening and watching carefully. Those two points. Are very essential to learn English language, not only English, but also all the subjects. All the subjects depend on listening and watching. Well, thank you to watch my video and keep watching always my video so that you can improve your English language. Thank you to watch.